देखने वाले हैं ट्रीटी ऑफ वेना के बारे में। ट्रीटी ऑफ वेना एक ट्रीटी थी जो कि चार स्टेट्स BARP मतलब ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रूशिया, इन चार स्टेट्स के बीच में साइन हुई थी। बेसिकली ट्रीटी ऑफ वेनिया क्या थी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कंजर्वेटिव लोग कौन थे। हमने क्यों पढ़ा था, इसी के लिए पढ़ा था क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव लोग थे ना, ये इन सारों के मतलब बेसिकली जो मोनार्क्स थे, ठीक है, मोनार्क्स या जो लोग चाहते थे कि मोनार्की वापस आ जाए, वो लोगों ने ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन करी थी। ये ऑस्ट्रिया में साइन करी गई थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो ड्यूक मेटरनिच थे, उन्होंने इसे साइन मतलब उन्होंने इसे होस्ट किया था। तो होस्ट किसने किया था, ड्यूक मेटरनिच जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। अब ये साइन कब हुई थी, 1815 में। पहले तो इतनी चीजें समझो, तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू में नॉर्मली भी 2 मार्क में पूछा जा सकता है कि इसको होस्ट किसने किया, ड्यूक मेटरनिच ने जो कि ऑस्ट्रियन के चांसलर थे। तो वो जो चार आपको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ वियना में चार लोग थे, ठीक है, तो मतलब सॉरी चार कंट्रीज थी एक तरीके से आप समझ सकते हो, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और आपका ऑस्ट्रिया। एक तो ऑस्ट्रिया है, बाकी प्रूशिया, रशिया और ब्रिटेन। देखो प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया ये तीनों ही एक जैसे नाम वाले हैं, तो आप इन्हें जो है क्या कहते हैं ऐसे याद रख सकते हो। बाकी ब्रिटेन अलग है, ब्रिटेन हर चीज़ में घुस जाता है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, इनका बेसिकली मकसद क्या था, इनका ये था कि भाई कंजर्वेटिज्म लेके आना है लोगों के बीच में, कंजर्वेटिव मतलब मोनार्कियों को बेसिकली लेके आना है। तो इन्होंने क्या किया था, फ्रांस, क्योंकि वहीं से नेपोलियन आया था, तो फ्रांस में, फ्रांस से जितनी भी उसने टेरिटरीज एनेक्स्ट करी थी, टेरिटरीज एनेक्स्ट मतलब जितनी भी टेरिटरीज उसने जीती थी नेपोलियन ने, वो सारी की सारी उससे ले ली गई, ठीक है। उसके बाद वहां पे बर्बन डायनेस्टी को, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया था। बेसिकली लुई द 16 को तो वहाँ के लोगों ने मार दिया था, बट फिर भी उसके चाचा या एक तरीके से उसके जो कज़िन ब्रदर्स हैं उनमें से किसी एक को ही यहाँ पे लाया गया, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा कि किसे लाया गया, बस ये बताया है कि रिस्टोर द बर्बन डायनेस्टी और सारे के सारे टेरिटरीज को उनसे छीन लिया गया। और देखो जैसे ये फ्रांस है, अभी जो मैं तीसरा पॉइंट बताने वाली हूँ, ये एक सीरीज ऑफ स्टेट्स बना दी। तो इसके नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड, किंगडम ऑफ नीदरलैंड प्लस बेल्जियम, ये आपको याद रखना है क्योंकि जब हम एज ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ना तब ये अभी फिर से एक बार दोहराया जाएगा। तो ये नॉर्थ में था, साउथ में जिनोवा, प्लस पाइडमोंट, एडेड टू पाइडमोंट, ठीक है, ये साउथ में था। उसके बाद जो प्रूशिया, प्रूशिया को इसके वेस्टर्न फॉरेंटियर में रखा गया। अब ये तो तीन जगह है, इधर का कुछ नहीं बता रखा है, आप इतना समझो। इसके बाद ये वाला पॉइंट आएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ वो आएगा कि जो ऑस्ट्रिया है उसे नॉर्दर्न इटली का पार्ट दे दिया गया, जो रशिया है उसे पोलैंड का पार्ट दे दिया गया, और जो प्रूशिया है उसे एक पोर्शन ऑफ सेनेक्स दे दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये तीन चीज़ें और ये तीन चीज़ें, ठीक है। उसके बाद टोटल 6 चीज़ें हैं यहाँ पे। जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स वाली, वो
वैसी की वैसी ही रही, उसमें कोई भी अंतर नहीं किया गया, क्योंकि वो अच्छी थी, सही थी, इनके लिए भी आसान था और ये किया भी नेपोलियन ने अच्छे के लिए ही था। तो ट्रीटी ऑफ वियना फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ, चार प्रशिया, ऑस्ट्रिया और आपका रशिया, साथ में ब्रिटेन, ये चार लोगों के बीच में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई। इसके होस्ट कौन थे? ड्यूक मेटरनिच। कब साइन हुई? 1815। अब उसके बाद इसने सारी चीज़ें करी फ्रांस के साथ, तो आप फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को पावर रिस्टोर कर दी क्योंकि इन्हें चाहिए मोनार्की। दूसरी चीज़ जो इन्होंने करी कि उनसे सारी की सारी टेरिटरीज वापस ले ली और उनके आसपास एक सीरीज ऑफ स्टेट्स बना दिया, जैसे नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड अलॉन्ग विद द बेल्जियम, यहाँ इधर वेस्टर्न फॉरेंटियर में प्रूशिया, इधर नीचे साइड में जिनोवा पाइडमोंट जोन में ऐड कर दिया गया, ऑस्ट्रिया को नदन इटली दे, ऑस्ट्रिया को नदन इटली दे दिया, रशिया को पोलैंड का पार्ट और प्रशिया को आपका सेनेक्स का पार्ट। ये मैं लिख देती हूँ आगे इसकी स्पेलिंग, क्योंकि ये पोलैंड और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, पोलैंड और ये सेनेक्स, ठीक है। साथ में जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स वाली, उसे एज इट इज रखा, रेस्ट एज इट इज रखा। तो हमने ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ ली है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिटिसिज्म ऑफ कंजर्वेटिव पढ़ेंगे।